अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये प्लाट है तकरीबन 15 या 16 मरले का, 14 से 16 के दरमियान ये बता रहे हैं प्लाट। इसकी जो पैमाइश है, इसका जो एरिया है, जो इसका रकबा है, ठीक है, खाली प्लाट है 14 से 15 मरले तक, जो इसका रकबा है, जो एरिया है, ये बता रहे हैं 14-15 मरले तक का, ठीक है। इसका ये टोटल है, ये इसका फ्रंट है, फ्रंट आपको चेक करवा देता हूँ, फ्रंट देख लें आप, ये इसका फ्रंट है। और ये जहाँ तक ये चार दीवारी आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक इसकी हदूद है, ठीक है। फ्रंट ये मेन रोड है, ठीक है, 12 BC चक नंबर 12 BC मोड़ के ऊपर है ये, ठीक है। ये वन वे रोड बना हुआ है, ये इस तरफ ये शहर को रास्ता जाता है और ये यजमान की तरफ जाता है रास्ता, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है ये रास्ता, और सॉरी ये प्लाट मेन रोड के ऊपर ये प्लाट है। और ये 14 से 15 मरले तक का रकबा ये बता रहे हैं, ये 14-15 मरले का इसकी पैमाइश है, ठीक है। और ये फार सेल है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी भाई लेगा, ये पहले बात क्लियर कर देता हूँ कि ये स्टाम्प पे है, रजिस्ट्री वाला या इंतकाल वाला कोई सीन नहीं है ये, ठीक है। खाली प्लाट है और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है ये प्लाट, ठीक है, मेन रोड के ऊपर ये प्लाट है, खाली प्लाट है 14 से 15 मरले तक का, ठीक है। ये फार सेल है, इसकी पैमाइश अगर कोई भाई लेता है, ज़ाहरी बात है पैमाइश करके देंगे, ऐसे थोड़ी कोई ना कोई लेता है और ना कोई देता है ऐसे, ठीक है। इसका जो फाइनल डिमांड है वो नंबर आपको बता देते हैं, नंबर पे आप रब्ता करें, फाइनल जो डिमांड होगी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जो बिल्कुल मुनासिब रेट पर होगा वही करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपने ये प्लाट देख लिया, इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। बाकी जो बात करना चाहता है इस हवाले से, प्लाट के हवाले से, वो नंबर पर रब्ता करें, डिमांड के लिहाज से या कोई और मालूमात लेना चाहता जो मैंने नहीं बताई वो भी पूछ लें। ये आपको बता देता हूँ, खाली जो सड़क है, ठीक है, ये इसकी सड़क है खाली जो इन्होंने छोड़ी हुई है इस प्लाट के साथ साथ, वो दूसरे घर भी बने हुए हैं, ठीक है। वो ये सड़क इसलिए छोड़ी है ताकि वो घर तक रास्ता जा सके, और ये खाली प्लाट है, इसके साथ साथ ये सड़क भी बनी हुई है ये, ठीक है। बाकी जो कोई बात होगी इंशाल्लाह वो क्लियर करेंगे।